विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि जी के मार्गदर्शन और परिकल्पना से ही यह कार्यक्रम हमेशा संभव होता है। आप हिंदी भाषा के विकास के लिए एक लेखक के तौर पर तो विख्यात हैं ही, साथ में एक प्रशासक के रूप में भी हिंदी भाषा की उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आपका स्नेह और मार्गदर्शन सदैव हम सभी में नित नवीन उत्साह एवं स्फूर्ति का संचार करती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आपने अभी तक सुना, आप सच बताइए, आपको लगा कि ये हिंदी तर क्षेत्र के आदमी हैं? लगा आपको इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? कभी नहीं लगा कि इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ये मातृभाषा हिंदी बोलने वाले हैं? इसका मतलब बहुत सिंपल और सरल है कि जो चाहे हिंदी सीख सकते, है ना, जो चाहे हिंदी सीख सकते। मैं एक दो प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। जितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स, आप में से हाथ उठाइए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। दो लोग, तीन लोग, चार, ओके, चार लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं, ओके। और जो अन्य हिंदी, जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को हिंदी छोड़कर कोई दूसरी भाषा आती है? हाथ उठाइए। मैं संतोष से पूछना चाहूंगा, आपको कौन सी भाषा आती है? मैंने कहा कि हिंदी, इंग्लिश, मतलब बहुत कम लोग। प्रोफेसर साहब ने हाथ उठाया, आपको आश्चर्य होगा, ये चीनी भाषा जानते, मतलब हमारे विश्वविद्यालय में खुद अजीबो गरीब भाषाओं को जानने वाले विद्वान विदुषिया यहां मौजूद है। आपके हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस डॉक्टर प्रोफेसर डोनोर हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी मातृभाषा अगेन कन्नड़ है, एंड ही इज अ रेटर इन इंग्लिश। मैं उनसे मजाक करता हूं कि हिंदी सीखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हिंदी में बात करो, ये ग्रामर का क्या प्रॉब्लम होगा? आप हिंदी मातृभाषा जानने वाले लोगों की ग्रामर पर ध्यान दीजिए। और हम सबको मालूम है, ग्रामर भाषा नहीं होती, व्याकरण भाषा नहीं होता, भाषा भाषा होती है और व्याकरण एक ही होता है। हिंदी का व्याकरण संस्कृत का है, कन्नड़ का व्याकरण संस्कृत का है, तेलुगु का व्याकरण संस्कृत का है, मलयालम का व्याकरण संस्कृत का है, तमिल का व्याकरण संस्कृत का है। वो बोलते हैं कि तमिल का व्याकरण तमिल का, हालांकि वो संस्कृत का। कहने का मतलब है, कोई ग्रामर किसी भाषा का नहीं होता। बस एक बार हम भाषा सीख गए समझिए, उसके बाद अपने आप ग्रामर आ जाता है। अब देखिए, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, ये एक बहुत बड़ा संदेश हमको इन्होंने दिया। जो हिंदी तर हिंदी भाषा के लोग हैं, विद्वान हैं, उनको हिंदी और एक गैर हिंदी भाषा सीखनी चाहिए, भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि क्यों हमको हिंदी सीखने की जरूरत? मैं ये नहीं कहता कि शुद्ध हिंदी सीखने की जरूरत है। एक गुजराती पूरे दुनिया में, मैं कहूंगा तमाम दुनिया में, एक गुजराती आदमी है जो बहुत बड़े एम्बेसडर है हिंदी के। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ही इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, है ना, बहुत बड़े सशक्त प्रवक्ता है। अब देखिए, उनको अंग्रेजी बोलते हुए आप देखिए, उनका पर्सनालिटी तब आप देखिए, जब वो हिंदी बोलते हैं, है ना, वो खुल जाते हैं। अब कृपया, मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, हिंदी की शक्ति को देखना है
आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं, तो आप में क्या कमी है, है ना, क्या कमी है? हमेशा इस देश को संदेश देने में, मार्गदर्शन देने में गुजरातियों का बहुत बड़ा हाथ है, हिंदी वालों का भी हाथ है, है ना, हिंदी वालों का भी हाथ है, लेकिन अन्य हिंदी वालों का योगदान कम नहीं। राजगोपालाचार्य जी बहुत बड़े प्रवक्ता थे हिंदी में। हिंदी क्यों हमें हिंदी में व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, हिंदी सीखनी चाहिए यहां जरूरत नहीं है, है ना, हम सब हिंदी जानते हैं। क्यों हमको हिंदी की शक्ति को उजागर करना है? हिंदी तो हम सब बोल लेते हैं, तैर तो हम सब लेते हैं पानी में, पानी के ऊपर, लेकिन गहराई में जाकर जो रत्नगर भाव सुंदरा है, गहराई में जाकर जो इसमें रत्न वज्र आदि जो हैं, उनको निकालने के लिए हमको इस गहरी पैठ लगानी पड़ती है। अब हिंदी की गहराई में हमको जाना है, हिंदी की शक्ति को हमें समझना है, और भाषा और देश का विकास एक साथ होते हैं। देश का विकास, अब देखिए, देश का विकास निर्भर है हिंदी के विकास। हिंदी अकेली विकसित नहीं होती, सभी भारतीय भाषाएं एक साथ जब विकसित होगी हिंदी का विकास। यदि हिंदी का विकास, केवल हिंदी भाषा का विकास होना है तो अन्य भाषाओं का विकास नहीं होना है, ये बात नहीं है, क्योंकि भारत के विकास में कन्नड़ वालों का योगदान है, तमिल वालों का योगदान है, छत्तीसगढ़ी वालों का योगदान है, हिमाचलियों का योगदान है, कश्मीरियों का योगदान है, उर्दू वालों का योगदान है, और हिंदी वालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करना है तो भाषा के लिए भी विकास करना पड़ता है। अब देखिए, आज की दुनिया में आपके बीकॉम में छात्र हैं, आप एमबीए के छात्र हैं, आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, आप टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट के आप छात्र हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आप बताइए, एमसीजे के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के छात्र हैं, आदिवासी विकास के आप छात्र हैं, आप बताइए, आज वस्तु बिकती है, चीज बिकती है, वो भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से चीजें बिकी जाती हैं, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से चीजें खरीदी जाती हैं, बातों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन कैसे होते हैं? वो ऐश्वर्या राय क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन क्यों ना आए उस पर टीवी के पर्दे पर, वहां वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी में ही क्यों बोलते हैं, वो अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि विज्ञापन तैयार करने वालों को मालूम है अंग्रेजी जानने वाले लोग केवल 5% इस देश में, हिंदी जानने वाले लोग 80% हिंदी, अंग्रेजी हिंदी लोग समझ सकते हैं। मतलब भारत का बहुत बड़ा कारोबार हिंदी भाषा के माध्यम से आज चलने लगा। हम अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचना चाहते हैं, किसी अच्छी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, हिंदी समझना हमारे लिए जरूरी। अब ये कह नहीं सकते कि कितनी परसेंट हिंदी समझनी है, अच्छी हिंदी समझनी है या टूटी फूटी हिंदी समझनी है। मैं कहता हूं कि अच्छी हिंदी नहीं होती, बुरी हिंदी नहीं होती, टूटी फूटी हिंदी नहीं होती, परिपूर्ण हिंदी नहीं होती, हिंदी होती है, केवल हिंदी होती है। उस हिंदी को हमें समझना है, देश के विकास में उसको उसका उपयोग करना है। विज्ञापन आपने देखा होगा, अब पेपरों में आपने पढ़ा होगा, ये बाहुबलियों का राज्य हुआ है, है ना, बाहुबलियों का राज्य हुआ है, ये बाहुबली कौन है, है ना। अब एक शब्द है, सचिन तेंदुलकर अभी
बैंड बजेगा, है ना, वो ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजेगा। ये बैंड क्या बजता है, ये क्या बैंड क्या बजता है, दिल मांगे मोर, है ना, आप जानते हैं कि नहीं, जिसमें दिल मांगे मोर एक विज्ञापन में केवल दिल एक शब्द है। अब और शुद्ध देखिए, वो दिल भी हिंदी का नहीं है। यदि शुद्धता की ओर हम ध्यान दें, अब हमको बोलना था हृदय मांगे मोर, लेकिन हमने उन्होंने बता दिया दिल मांगे मोर, है ना। आप हिंदी फिल्म्स के संवाद देखिए, वहां एक होता है, वो दो पात्र बात करते हैं, उनको क्या हुआ है आजकल, तो ये कहता है कि उनको लवेरिया हुआ है, है ना, उनको लवेरिया हुआ है, मतलब मलेरिया को लव के साथ कॉम्बिनेशन बनाया और एक शब्द गढ़ा गया और कहा गया लवेरिया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब हिंदी है। और आप मार्केट करने जाते हैं, वहां बिग बाजार होता है, बिग बाजार हिंदी है कि अंग्रेजी, वो तो हिंदी है, वो तो हिंदी बन गए ना, हिंदी है। अब देखिए हम बोलते हैं अरे अब उस आदमी से दूर रहना चाहिए, वो बहुत जल्दी टोपी पहनाता है, है ना, टोपी पहनाता है। अब हिंदी के कितने रूप हैं, कितने अलंकार है इसके। अब हिंदी सिनेमा के बारे में भी जो स्टार्स के जो न्यूज आते हैं, आप पेपर देखिए, वो दोनों डेटिंग पर गए हैं, है ना, डेटिंग पर गए हैं। क्या आप डेटिंग पर, डेटिंग के लिए आप डिक्शनरी खोलते हैं? नहीं, आपको मालूम होता है कि वो दोनों डेटिंग पर गए। वो डेटिंग पर गए। साथ साथ में अब देखिए, मुंबई के शार्प शूटर जबलपुर आए थे, मैंने पेपर में पढ़ा, मुंबई के शार्प शूटर जबलपुर आए थे। ये शार्प शूटर क्या होता है आप सब जानते हैं, उस आप सब जानते हैं कि शार्प शूटर क्या है। ये शार्प और शूटर हिंदी के शब्द हो गए हैं। मैंने कभी देखा था, आपने भी देखा होगा, रोज देखते हो, किसी फिल्म हीरोइन को दिखाकर बोलते हैं, वहां शब्द होता है ब्यूटी एंड बोल्ड, है कि नहीं, ब्यूटी एंड बोल्ड, समझे कि करीना कपूर को दिखाकर दिखाते हैं कि ब्यूटी एंड बोल्ड। आप ब्यूटी शब्द के लिए हिंदी ढूंढना शुरू करते हैं? नहीं, आपको मालूम है कि ब्यूटी कौन। बोल्ड के लिए कोई शब्द हम डिक्शनरी नहीं खोलते, हमको मालूम है कि बोल्ड क्या होता है। इस तरह हिंदी का विकास भारतीय भाषाओं को साथ लेकर हो रहा है, हो गया है। हिंदी में जितनी भी हिंदी फिल्मी गीत में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, बहुत कम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी में वो सुपरस्टार हैं। जिनकी मातृभाषा उर्दू है, वो संवाद लिखने में, गीत लिखने में, हिंदी के गीत लिखने में एकदम सुपरस्टार हो। क्यों? इसलिए कि भाषा मिश्रण एक अद्भुत चीज है। यहां भाषा के विद्वान आप सभी बैठे हैं। भाषा जब मिक्स होती है, एक नई खुशबू सामने आती है, एक नई रुचि हमारे सामने पेश होती है। इसीलिए शब्दकोश को देखकर भाषा सीखी नहीं जाती, हमको भाषा सीखनी पड़ती है बच्चों के माध्यम से, हमको भाषा सीखनी पड़ती है मार्केट में जाकर, जो जहां मंडी बैठती है ना, जहां सब्जी बेची जाती है, मंडी मार्केट में हम बैठेंगे, वहां भाषा अपने आप हम सीख। भाषा की खूबी, हिंदी विज्ञापन की क्या खूबी होती है, भाषा कितनी खूब है, कितनी सुंदर है, कितनी
कितनी महत्व है इसमें, बस इतना है कि हिंदी को आत्मसात करना है, हिंदी का उपयोग करना है। डॉक्टर साहब कह रहे थे हिंदी सीखने का बहुत अच्छा तरीका ये है, आप हिंदी का प्रयोग करना शुरू करो। सर मैं इसके पहले उर्दू यूनिवर्सिटी में था, वो 99% मुसलमान लोग उस यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन कभी उन लोगों ने मुझे नकारा नहीं कि ये गैर उर्दू, इसलिए कि मैं जो हिंदी बोलता हूं उन लोगों को लगा ये उर्दू बोल रहे हैं। इट विल बी वेरी सिंपल कि हम जो मिट्टी से जुड़ी हुई हिंदी बोलेंगे ना, हर भारतीय सभी लोग मानेंगे कि ये हिंदी बोल रहे हैं, ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये कन्नड़ बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, हिमाचली बोल रहे हैं, ये खड़ी बोल, इस तरह की भाषा। और मैं यहां आया डॉक्टर साहब, मैं सबको बोल रहा हूं कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं कन्नड़, लेकिन किसी पत्रकार ने मुझसे कभी नहीं पूछा, किसी संवाददाता ने कभी नहीं पूछा, किसी बच्चों ने कभी नहीं पूछा, किसी टीचर ने कभी नहीं पूछा, किसी उन्होंने भी कभी नहीं पूछा कि कटिमनी जी आपको हिंदी नहीं आती, आप कन्नड़ी है, आप कैसे इस यूनिवर्सिटी को चलाएंगे। मतलब इन लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया कि तुम हिंदी वाले, स्वीकार कर लिया कि तुम हिंदी वाले। मतलब हिंदी वालों में ये बखूबी ये चीज है, हर चीज को हिंदी वाले साक्षात्कार करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन केवल हिंदी हमारी वतन है, ये है वो है कहने से, अभिमान प्रकट करने से नहीं चलेगा। हिंदी को अपने कारोबार का माध्यम बनाना है, हिंदी को अपने भविष्य का विकास करना है। तो हिंदी वालों को एक और भारतीय भाषा भी सीखने की जरूरत, समझिए तिप्पे स्वामी जी अनुवादक है, कट्टी मनी अनुवादक है, आप में से कोई जो हिंदी वाले हैं आप क्यों अनुवादक नहीं हुए? मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बहुत ही हिंदी बोलते हैं, आप चलिए मैं उदाहरण ले लेता हूं, अब मैं कहता हूं हमको हिंदी भाषा में, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों में एक स्किल डेवलपमेंट तैयार करना है, स्किल ओरिएंटेड स्किल उनमें हमें देखना है, तो उनको हमें मजबूर करना होगा, हिंदी क्षेत्र के बच्चों को, हिंदी क्षेत्र के टीचर्स को, हिंदी क्षेत्र के नॉन टीचिंग स्टाफ को भी, कि आप अन्य भारतीय भाषा भी सीखिए। यदि आप तैयार हैं, यदि आप कहते हैं कि नहीं हम 10 लोग उर्दू सीखने के लिए तैयार हैं, उसकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी की ओर से की जाए, या गोंडी सीखने को तैयार हैं उसकी व्यवस्था हम करेंगे, पणिका सीखने को तैयार हैं आप, छत्तीसगढ़ी सीखने को तैयार हैं, कन्नड़ सीखने को तैयार हैं, तो मैं खुद कन्नड़ सिखाने को तैयार, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड यू नो कट्टी मनी इज ए परफॉर्मिंग वाइस चांसलर, मैं कभी अपने आप को रबर स्टाम्प कभी नहीं माना, और कभी नहीं माना कि मैं वीसी हूं, मैं आते आते मुझे कूड़ा कचरा नहीं उठाना है, मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं उठाऊंगा तो आप लोग उठाएंगे। हिंदी में किस तरह की चीजें होती हैं आपको मैं एक सुनाता हूं। एक एसएमएस है, एक रेक्सोना नाम की लड़की थी जिसके पेरेंट्स का नाम डैना और सिंथाल था। मार्को नाम का लड़का रेक्सोना को लव करता था, और रेक्सोना भी मार्को को अपना लाइफ बॉय समझती थी। दोनों का लव पियर्स की तरह साफ था। दोनों की शादी
फेयर एंड लवली गार्डन में हुई। शादी में डेटॉल, मेडिमिक्स, लक्स, फा, निर्मा, वाइवल खास मेहमान थे। शादी के दो साल बाद उनको जुड़वा बच्चे हुए जिनका नाम था जॉनसन एंड जॉनसन। ये अभी मैंने जो बताया ना, हालांकि आपको फ्रेशअप करने के लिए मैंने बताया, लेकिन ये कारोबार का बहुत बड़ा खेल है, है ना? ये कारोबार का बहुत बड़ा खेल है। आप एमसीसी के स्टूडेंट हैं, आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, ट्राइबल आर्ट्स के स्टूडेंट, ट्राइबल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, ये जरूरी नहीं कि आगे चलकर आपका भविष्य ट्राइबल आर्ट्स में बने। आप काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमारा फ्यूचर कहीं भी बन सकता है। अब ये जो मैंने आपको बता दिया, देखिए सिंपल चीजें, जो इस तरह की चीजें, अब देखिए एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा कारोबार दुनिया में आजकल चलता है, बहुत बड़ा कारोबार, उत्पाद से ज्यादा बड़ा कारोबार विज्ञापन का है। विज्ञापन आप जानते हैं ना, इश्तहार, एडवर्टाइजमेंट, है ना? इस कारोबार को देखिए, बड़े बड़े कलाकार क्यों ना हो, लेकिन वो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा कारोबार। पहले स्क्रिप्ट राइटर सब कुछ लिखते हैं, उसके बाद उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन काम करते हैं, ऐश्वर्या राय काम करती है, बड़े बड़े कलाकार उसमें काम करते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो स्क्रिप्ट राइटर हिंदी का बहुत बड़ा महारत होता है। हिंदी की जो अंदरूनी खूबी होती है ना, हिंदी भाषा की जो अंदरूनी शक्ति होती है, ताकत होती है, जिस आदमी उससे परिचित होता है वही इस तरह का विज्ञापन लिख सकता। और ये जो इश्तहार करने वाले, विज्ञापन करने वाले क्यों इस तरह के विज्ञापन लिखते हैं, क्यों ये दूसरे कारोबार क्यों नहीं करते? देखिए, ये हिंदी भाषा के माध्यम से सपने बेचे जाते हैं, विज्ञापन में सपने बेचे जाते हैं, माल बेचा जाता है, है ना? माल बेचकर उनको क्या मिलता है? वो मालामाल होना चाहते, सो सिंपल। वो अपने माल को भाषा के, हिंदी भाषा के माध्यम से बेचकर मालामाल होते। और देखिए, एक उत्पाद, एक प्रोडक्शन, कोई कोई चीज है, समझिए कि लिप्टन टी फॉर एग्जांपल, वो हम 10 रुपए में खरीदते हैं, हालांकि लिप्टन को किसी भी चाय तैयार करने के लिए 1 रुपए की जरूरत होती है। 1 रुपए हम खर्च करके खरीद लीजिए, हम चाय बना सकते, लेकिन अनदर जो 5 रुपए 6 रुपए उसके विज्ञापन के लिए खर्च किया जाता है, और पूरे 10 रुपए जो वो जो खर्च करते हैं, वो हम जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर है, हमसे वसूला जाता है। इस तरह हिंदी में जो नई नई ताकत है, हिंदी में जो नई नई चीजें हैं, इसका प्रयोग करना जरूरी है। हम जो हिंदी वाले हैं, हिंदी मातृभाषा वाले हैं, हिंदी की ताकत हमको तब मालूम होगी जब हम हिंदी क्षेत्र से बाहर जाते हैं, जब हम दूसरी भाषा को जानना शुरू करते हैं, तब हमको मालूम होगा कि हिंदी में क्या खूबी है। इसीलिए आपको यात्रा करनी होगी, इसको आपको प्रवास करना होगा। और आप इमीडिएटली कहते हैं यात्रा करने के लिए यूनिवर्सिटी पैसा नहीं देती। मैं कहता हूं आप सब कुछ यूनिवर्सिटी के ऊपर ही निर्भर होना चाहेंगे, आप अपना भविष्य, फ्यूचर भी यूनिवर्सिटी को ही तय करना पड़ता है, आपकी शादी को भी यूनिवर्सिटी को ही करना पड़ता है। इसके लिए तैयार हैं आप? इसके लिए आप तैयार नहीं, आप अपने मन से शादी करना चाहेंगे, तो आपको ये भाषा की ताकत, आपकी विद्या की ताकत भी अपने आप को इसको समझना होगा, इसको हासिल करना होगा, इसको संप्रेषण करना होगा, तभी हम हिंदी भाषा में
ये जो स्किल ओरिएंटेशन की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, तब हम स्किल पैदा करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैं कहता हूं, देश के एक पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात, एक प्रोफेसर मुझसे एक मिले अपने कैंपस के बाहर। मैंने कहा कि पहले उनकी सेहत ठीक नहीं थी, मैंने पूछा आपकी सेहत आजकल सुधर गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक अच्छे काम करने वाली मिल गई है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मेरी सेहत सुधर गई। अब बातों बातों में उन्होंने कहा वो जो हमारे घर में काम करती है वो पीएचडी हिंदी है। जिन्होंने पीएचडी हिंदी में पीएचडी किया उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए किसी प्रोफेसर के घर में वो रोटी बनाने का, झाड़ू मारने का काम करती है। मैं ये नहीं करता कि रोटी बनाना बहुत कम छोटे दर्जे का काम, झाड़ू लगाना छोटे दर्जे का काम है। तो यही करना था तो पीएचडी करने की क्या जरूरत थी, समझ गए ना? यही करना था तो रोटी बनाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होम साइंस का वो करना था, तो पीएचडी हिंदी करके। देखिए चार साल आपने स्कॉलरशिप लिया यूनिवर्सिटी से 8,000 रुपए, तो इसके बावजूद भी आप इस पीएचडी के माध्यम से एक स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकी, तो या वो टीचर अपने अपने स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग नहीं दे सके कि आप अपनी रोटी कमाओ। अब देखिए मैं कहता हूं अभी हिंदी में एमए करके पीएचडी करके एमफिल करके हमको नौकरी करने की जरूरत नहीं। यदि हमारे पास अनुवाद करने की ताकत है, हम घर में बैठे बैठे 50,000 रुपए रोज हर महीने कमा सकते। आजकल ऑनलाइन ट्रांसलेशन है, ऑनलाइन ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। ये जो वो विश्वविद्यालय है जिसका हिंदी विभाग है, वो उसके जो सुपरवाइजर है उनकी कमी है, जो अपने बच्चे में अपनी बच्ची में ये ताकत ये विश्वास भरने में वो असफल हो। मैं हिंदी दिवस के समय में इस तरह का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हिंदी हमारी शर्म है, हमारी इज्जत है, हमारी पूजनीय है, ये सब है, इसके बावजूद भी हिंदी एक वस्तु है, इसका उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। अब देखिए हमारे विश्वविद्यालय में हम सब कहते हैं कि हिंदी तो हम सबको आती है, हमको अंग्रेजी में व्यवहार करना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिश्रण, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मिश्रण एक बहुत सुंदर सम्मिश्रण होता है, जैसे गुड़ और दूध का सम्मिश्रण, जैसे शक्कर और घी का सम्मिश्रण है, इस तरह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मिश्रण करने से हिंदी का और विकास हो। देश के किसी भी कोने में जाइए, जिनको छोटे छोटे व्यापार करने वाले, रामेश्वरम जैसे तमिलनाडु के बहुत बड़ा क्षेत्र है, एकदम समुद्र के किनारे हैं, वहां फूल बेचने वाले, वहां बिल्व पत्र बेचने वाले, वहां नारियल बेचने वाले, मूल मातृभाषा तमिल के लोग हिंदी बोलते हैं। क्यों उनको जरूरत पड़ी हिंदी बोलने की? इसलिए जरूरत पड़ी कि मेरे बिजनेस का विस्तार करना है तो मुझे हिंदी में बोलनी चाहिए, है ना? जनभाषा का प्रयोग वो करते हैं। मैं कहता हूं आप, लेकिन आपका हमारा स्तर, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में आ गए, एक इंटरनेशनल एक नेशनल विश्वविद्यालय में आ गए, हम जो हिंदी बोलते हैं, हम जो हिंदी लिखते हैं, उसमें अंग्रेजी भी होनी चाहिए, उसमें कन्नड़ भी होनी चाहिए, तेलुगु होनी चाहिए, मलयालम होनी चाहिए, और साथ साथ में और अन्य भारतीय भाषाएं भी होनी चाहिए। किसी भी भाषा का विकास सब भाषाओं को स्वीकार करने में उसका विकास है। एक बार हम मानते हैं कि ये अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होती है? अब हिंदी बहुत कम बची रहती है, और इसीलिए भाषा का विकास अशुद्धता के कारण होता है, सम्मिश्रण के कारण होता है, व्यापार के कारण होता है,
व्यापार में भाषा को मिश्रण करने से होता है। व्यापार को भाषा के साथ मिश्रण करने से होता है। और आप देखिए विज्ञापन जितने भी हैं, इस तरह के विज्ञापन होते हैं। आप मारुति कार जो सेकंड हैंड कार बेचने वाले दुकानों के सामने आप जाकर देखिए, वो सेकंड हैंड व्हीकल्स आर अवेलेबल नहीं होता, प्री ओन्ड कार्स, प्री ओन्ड कार। मतलब भाषा हमेशा ये कास्टिंग होता है, फैब्रिकेशन होता है, निर्मित करना होता है। हम रोज भाषा को, शब्दों को निर्मित करते हैं। मैं 20 वर्ष पहले हिंदी का एक शब्द को एक समीक्षा में मैंने ले लिया, जिजीविषा नामक एक शब्द है। मैंने वो कन्नड़ समीक्षा में लेख में मैंने जिजीविषा शब्द को ले लिया, और बाद में वो लेख के साथ मेरी एक किताब छप, किसी ने लिखा उस पर इन्होंने किसी भाषा का शब्द जिजीविषा को ले लिया जिसका अर्थ मालूम नहीं। मतलब जीने का विष जिजीविषा। बाद में अब मैंने देखा 20 वर्ष बाद सब लोग कन्नड़ के सभी समीक्षक जिजीविषा शब्द में शब्द का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो इस तरह रोज हिंदी भाषा का विकास भारत भर में, भारत के बाहर भी कई बार मैं गया, वहां किसी के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू किया तो इमीडिएटली जो दूसरे देश के विद्वान और विदुषियां होती हैं वो बोलते हैं, कट्टीमणि साहब मैं भी हिंदी जानती हूं, हम दोनों हिंदी में बात करें। मतलब वो लोग इस तरह का एक हमें मैसेज देते हैं कि आप भारतीय होने के नाते आपको हिंदी में ही बात करनी चाहिए, अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज वो लोग देते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि तिपे स्वामी जी आज हमारे पास आए, आप सभी बच्चे टीचर्स सभी हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि इस बहाने हिंदी भाषा को याद करना, इस बहाने भारतीय भाषाओं को याद करना, इस बहाने हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए, उसको याद करना हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, हम सबको चेतावनी देना चाहूंगा, जब तक हिंदी भाषा इस देश में जीवित है तब तक हम जीवित हैं। जब तक इस देश में हिंदी भाषा का विकास होता रहेगा हमारा भी विकास होता रहेगा। तो हम सबको ये याद रखना होगा, मुझे याद रखना होगा, आपको भी याद रखना होगा, हिंदी भाषा के विकास में हमको जितना भी योगदान देना हो, जितनी भी कुर्बानी बलिदान देनी हो, हमको देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारे आने वाला कल हिंदी के आने वाले कल पर निर्भर है। बहुत बहुत